जिम्बाब्वियन क्रिकेट टीम सीरीज के तमाम मैच मुल्तान और रावलपिंडी में खेलेगी। कराची आउट, दोनों सेंटर में कभी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आइंदा माह जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज के मैच मुल्तान और रावलपिंडी में कराने का फैसला किया है। दोनों सेंटर में कभी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेले गए, जबकि मुल्तान में 12 साल बाद इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। 16 अप्रैल 2008 में मुल्तान ने आखिरी बार पाकिस्तान बांग्लादेश वनडे इंटरनेशनल की मेज़बानी की थी। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग के 4 मैच होंगे, जबकि मुल्क के अहम तरीन सेंटर नेशनल स्टेडियम कराची में इस साल कोई इंटरनेशनल मैच नहीं होगा। कराची के 4 ग्राउंड कायद आजम ट्रॉफी के तमाम मैचों की मेज़बानी करेंगे। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 टी20 इंटरनेशनल मुल्तान, जबकि 3 वनडे पिंडी स्टेडियम में होंगे। मुल्तान ने इस साल पाकिस्तान सुपर लीग के मैचों का कामयाब इनेकाद किया था, जबकि पिंडी में PSL के अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश के टेस्ट मैच हुए थे। ज़राए का कहना है कि जिम्बाब्वे की टीम 20 अक्टूबर को दुबई से मुल्तान पहुंचेगी, जहां करंतीना में 1 हफ्ता गुजारेगी। दौरा 10 नवंबर को ख़त्म होगा। पाकिस्तान जिम्बाब्वे सीरीज़ के बाद पाकिस्तान सुपर लीग 5 के मैच 14-15-17 नवंबर को गजाफी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। ज़राए का कहना है कि मुल्तान पिंडी और लाहौर में ड्रेसिंग रूम की दूसरी जानब मीडिया सेंटर है, इसलिए तीनों ग्राउंड में मीडिया को समाजी रबतों का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा कौमी टी20 का फर्स्ट 11 क्रिकेट टूर्नामेंट भी 30 सितंबर से 18 अक्टूबर तक मुल्तान और रावलपिंडी में होगा।